गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th के फिजिक्स के लेक्चर सीरीज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बार मैग्नेट के बारे में देख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में हम देख चुके हैं, और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट की जा सकती है। ये हमने पॉइंट्स क्लियर किए थे। लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा राइट हैंड थंब रूल, वो था हमारा राइट हैंड थंब रूल। और उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था करंट कैरिंग ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट कैरिंग करंट कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होगा, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हमने जो स्ट्रेट वायर की बात की थी उसकी जगह अगर हम एक सर्कुलर लूप को लेते हैं, ठीक है, हालांकि हमने ये टॉपिक पढ़ चुका है लेकिन मैं एक एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अगर हम एक क्या लेते हैं सर्कुलर लूप लेते हैं, ठीक है, तो सर्कुलर लूप के अंदर क्या होगा, करंट जिस तरह से फ्लो होगी तो उस कारण सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होगा इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक डायग्राम है। ठीक है, अच्छा, ये आपको 2D में दिख रहा होगा जबकि एक्चुअल में 3D में आपको समझना है डायग्राम को। ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये देखिए, आप एक सर्कल बना हुआ है, कहने का मतलब ये है कि सर्कल की तरह इस तरह से। ठीक है, अगर आप इन दोनों पॉइंट को मीट कर देना तो ये एक सर्कल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। जो पहला इंडेक्स क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो आप सीधा सीधा है आपका क्या, एक बार मैग्नेट आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। ये नॉर्थ पॉइंट हो गया आपका, ये साउथ पॉइंट हो गया। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इसके नॉर्थ से साउथ की तरफ, सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ की तरफ, और सिमिलरली ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। डायरेक्शन आप शो कर दीजिए ताकि पता रहे कि डायरेक्शन जो है आउटवर्ड डायरेक्शन अंदर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, और इनसाइड कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ। तो वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करना होता है। जस्ट मिनट। ठीक है, इस तरह से। और ये कुछ होगी जो आगे तक मीट नहीं करेंगे, इस तरह से आप इनको शो कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन का आंसर होगा, केवल आपको मैग्नेटिक बार में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उनको ड्रॉ करना था। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन जो है हमारा वो है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। आप जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज उनकी आपको प्रॉपर्टीज बतानी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी कि मैग्नेटिक लाइन्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यानी इन मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी जो मैग्नेट के बाहर की तरफ होंगी आउटवर्ड लाइंस, वो किस तरह फ्लो करेंगी, नॉर्थ टू साउथ, किस तरह फ्लो करेगी, नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड। लेकिन अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे तो कैसे फ्लो होगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये है आउटसाइड मैग्नेट के बाहर की तरफ, आउटसाइड। ठीक है, और ये है आपके मैग्नेट के अंदर, इनसाइड। ठीक है, तो मैग्नेट के बाहर होगी नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर होगी साउथ से नॉर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, जस्ट अ मिनट। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, और तो सेकंड पॉइंट आपका, आप क्या बोल सकते हैं, एक तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ इनसाइड में और साउथ टू नॉर्थ आउटसाइड में, सॉरी साउथ टू नॉर्थ इनसाइड में, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड में। सेकंड पॉइंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। क्या, नेवर कट ईच अदर। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे हम, थर्ड पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ऑलवेज इन अ सर्कुलर या क्लोज करो, ऑलवेज इन अ क्लोज करो। ठीक है, हमेशा कैसे होंगी, क्लोज कर्व की तरह होंगी। ठीक है, कैसे होंगी, क्लोज कर्व की तरह। तो ये तीन पॉइंट्स आपके हो गए। एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आपका क्लोज कर्व। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फोर्थ पॉइंट आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, शो द स्ट्रेंथ, STRE स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या करेगी, स्ट्रेंथ शो करेगी। कैसे शो करेंगी, क्लोजनेस के ऊपर। कैसे शो करेगी, क्लोजनेस के ऊपर। मैं एक बार आपको बताता हूँ, देखिए आप, जस्ट अ मिनट। देखिए, जस्ट एन एग्जांपल, ये मैग्नेट आपके पास, ये नॉर्थ पॉइंट हो गया, ये साउथ पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी नॉर्थ से साउथ, और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ। सिमिलरली इस तरह नॉर्थ से साउथ होगी, सिमिलरली इस तरह नॉर्थ से साउथ होगी।
ठीक है, इस तरह से यहाँ होंगी फिर आगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपको स्ट्रेंथ शो करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस, आप ये समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस आपको मैग्नेट की स्ट्रेंथ शो करेगी। तो देखेंगे अगर हम, तो देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ज़्यादा क्लोज है, दिख रहे हैं आप, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज हैं। जबकि अगर आप सेंटर में कहीं जाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें सेंटर में यहाँ कहीं, तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस क्या है, ज़्यादा है, दूर दूर आई है। तो देखिए नॉर्थ पॉइंट और जो साउथ पॉइंट है पर्टिकुलर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत पास में है। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, बहुत पास में है। जस्ट अ मिनट, वहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत पास में। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास में होने के कारण क्या होता है कि जो मैग्नेट की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैग्नेट की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा, मतलब स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, ज़्यादा। जबकि अगर आप यहाँ मिडिल में कहीं देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसकी क्लोजनेस कम है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, यानी मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। तो होप तीनों इंडेक्स के क्वेश्चन आप क्लियर हुए हों।